तो क्या गाइस, आज की वीडियो मुझे ये वाला पुलिसमैन कैरेक्टर अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर देखने को मिलने वाला है। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो मुझे ये पुलिसमैन कैरेक्टर अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर तुम लोग को इस गेम का कोई भी मिथ आता तो फटाफट से अभी के अभी कॉमेंट्स में बता दो। बाकी बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। मिथ, आप लाइन को स्पोन करो, उस पर बॉम्ब लगा दो, उसको कुछ भी नहीं होगा बॉम्ब फटने से। ओके, तो सबसे पहले मैं 11 डायल करके एक लाइन को स्पोन कर लेता हूँ। और अगर तुम लोग 11 डायल कर रहे हो, चीट प्रोसेस तो आ रहा है लेकिन आ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो तुम लोग को प्लगइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर लाइन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तभी आएगा लाइन। तो मेरा लाइन आ चुका है, अब मुझे इस पे लगाने स्टिकी बॉम्ब। एक स्टिक बॉम्ब नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही लगा दूंगा, क्योंकि एक स्टिक बॉम्ब पे फिर पता नहीं चलेगा कि इसको कुछ हो रहा है कि नहीं, इस वजह से मैं कुछ ज्यादा ही इस पे स्टिकी बॉम्ब लगा लेता हूँ। मतलब कम से कम 10 तो मैं लगाने वाला हूँ, 10 से कुछ ज्यादा ही लगा लेता हूँ। ऑलराइट, तो कुछ इतने मैंने इस पे स्टिकी बॉम्ब लगा लिए, अब मैं इनको कर लेता हूँ यहाँ से एक्टिवेट। और एक्टिवेट हो चुके, लाइन कहाँ गया पता नहीं भाई, लाइन अपने आप ही पता नहीं कहाँ चला गया, शायद से ऊपर उड़ गया, इतने सारे स्टिकी बॉम्ब्स थे। मैं फिर से लाइन को स्पोन करता हूँ, और इस बार मैं ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स नहीं लगाऊंगा, कुछ ही स्टिकी बॉम्ब्स लगाऊंगा। तो अगेन मुझे लाइन को स्पोन करने के लिए सेम चीट को डायल करना पड़ेगा, 11। ये डायल करूंगा, मेरे सामने लाइन आ जाएगा, फिर से स्टिकी बॉम्ब्स लगाता हूँ। अरे मुझ पे स्टिकी बॉम्ब्स मत लगा, मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। अबे ऐसे कैसे मुझे फिनिश कर देगा, मैं तो तुम्हें फिनिश करने वाला हूँ। अच्छा चलो देखते हैं, मैंने स्टिकी बॉम्ब्स लगा लिए, एक्टिवेट कर लेता हूँ, मैं खुद ही फिनिश हो गया, मैंने कहा था। ओके, फिर से मैंने लाइन के ऊपर स्टिकी बॉम्ब्स को लगा लिया, इस बार मैं थोड़ा सा दूर जाके एक्टिवेट करता हूँ इनको। बस यहाँ से मैं इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ, स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, और लाइन वेट भाई, इतने सारे स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने के बाद भी इस वाले लाइन को कुछ भी नहीं हुआ। अरे को मैं कम थोड़ी ना हूँ, किसी से लाइन हूँ लाइन। अरे रुक, मैं फिर से तुम पे स्टिकी बॉम्ब्स लगाता हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें फिनिश करके ही रहूंगा। चलो फिर से मैंने कुछ स्टिकी बॉम्ब्स को लगा लिया लाइन के ऊपर, अब मैं फिर से इनको एक्टिवेट करता हूँ, इस बार तो फिनिश होगा। मैंने एक्टिवेट कर दिया स्टिकी बॉम्ब्स को, वो फिर से उड़ गया। बढ़िया, तुम लोग जितने भी स्टिकी बॉम्ब्स लगा लो उस वाले लाइन पे, फिर एक्टिवेट करो, उस लाइन को कुछ भी नहीं होगा। हाँ लेकिन कभी कभी उड़े जा रहा है बट नहीं उड़ रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, अगर आप एक बाइक और बस में एक साथ बैठोगे फिर देखना मैजिक। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक बस स्पॉन करनी है, फिर उसके पास में एक बाइक। तो बस का चीट कोड है 5599, तो मैं डायल कर लेता हूँ, और मेरे सामने आ चुकी है बस। अब इसके पास में अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को 9000 डायल करके स्पॉन कर लेता हूँ। डन, मैंने बस को भी स्पॉन कर लिया, और मेरी बाइक भी आ चुकी है। अब इन दोनों के मुझे बीच में जाके बैठना है, ऑप्शन भी आ चुके हैं, बस में बैठ जाता हूँ। डन, मैंने ऑप्शंस पे क्लिक कर लिया, और एक साथ बस में और बाइक में बैठ चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा बाइक को चला के देखता हूँ। वेट, मैंने बाइक को थोड़ा सा टर्न किया और चलाया, तो बस भी टर्न हो रही है और चल रही है, मतलब ये दोनों एक साथ कंबाइन हो चुके। मैं फर्स्ट पर्सन करता हूँ, क्या बाइक देख पाऊंगा? यस, मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को भाई, मेरी बाइक सामने चल रही है और मैं बस को भी ड्राइव कर पा रहा हूँ, और दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। मैं अगर एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो दोनों ही चल रही हैं, अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो दोनों ही रिवर्स में जा रही हैं। भाई मुझे अभी बिल्कुल प्रॉपर जो मल्टीप्लेयर वाली फील होती है ना, मुझे वैसी ही फील आ रही है। ये मेरी बाइक और यहाँ पे वेट, ये बस यहाँ से ऐसे गुजर रही है जैसे कि सिटी में कोई NPCs वाली बस को चला रहा हो। ये क्या बात करता है यार? वेट, मैं उस वाली बस के थोड़ा सा पास जाता हूँ, और देखो भाई अब फिर से बस चल रही है, और जैसे कि ये NPC चला रहा है इसको। बट मैं फर्स्ट पर्सन करूंगा, तो इस वाली बाइक को मैं खुद ही चला रहा हूँ, और बाइक को भी। अबे बाइक पे करेक्टर कहाँ गया? अपने आप ही गायब, अपने आप ही फिर से वापस आ गया भाई। लिटरली मैं एक सेकंड के लिए मेरा करेक्टर ही गायब हो गया था, और मेरी बाइक ऐसे ही चल रही थी, बट फिर से मेरा करेक्टर वापस आ चुका है, और फिर से मैं बाइक को भी चला पा रहा हूँ, और बस को भी। भाई ये बस क्या नेक्स्ट लेवल लग रही है। वेट, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो जितने भी देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके 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 ओके, ये बस फिर से मेरे आगे निकल गई है, और फिर से मुझे ऐसी फील दे रही है जैसे कोई NPCs को चला रहा हो, और अगर कोई NPC नहीं चला रहा तो बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे कि ये मेरा करेक्टर फिर से गायब हो गया। भाई अपने आप ही मेरा करेक्टर आ रहा है, फिर गायब हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर गायब हो रहा है। लेकिन ये मैं ऐसे कह रहा था, जब ये रास्ते पे चल रही है बस बिल्कुल ऐसी फील दे रही है जैसे कि कोई इसको NPC चला रहा है, और अगर NPC नहीं तो बिल्कुल ऐसी फील आ रही है जैसे कि बस को मैं चला रहा हूं और बाइक को कोई और चला रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लेयर। बट वेट, मैंने एग्जिट कर लिया है, फिर भी ये वाली बस चल रही है अपने आप ही फिर से। ये मैं कहां गया? ओह शिट, मैं अपने आप ही वॉइड में आ गया, और ये फर्स्ट पर्सन पे अभी भी मुझे बस नजर आ
रही है लेकिन कहीं पर अटक चुकी है, इस वजह से ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे, और मेरा कैरेक्टर तो वॉइड में सीधा। क्रेजी भाई, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मित, आप जेसीबी से काम नहीं कर सकते। व्हाट, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जेसीबी में, क्या उनसे काम ही नहीं होता? मैं सबसे पहले तो 6677 डायल करके एक जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूँ। डन, मेरी जेसीबी आ चुकी है, अब मैं इसमें बैठ जाता हूँ। अब इतने सारे कंट्रोलर्स होते हैं इस वाली जेसीबी में बैठा। अब देखो, अब इनसे मैं जेसीबी के सामने वाले पार्ट्स, पीछे वाले पार्ट्स, ऊपर नीचे हर जगह पे कर सकता हूँ। इसका मतलब इस वाली जेसीबी से मैं छोटे मोटे काम तो कर सकता हूँ। वेट, और मुझे सामने की तरफ आई थिंक ये बाइक नजर आ रही है, मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करके देखता हूँ। ये बाइक की, और इसको मैं सामने वाले पार्ट से ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सामने वाले पार्ट को नीचे कर लूँ ताकि ये बाइक को ऊपर उठा पाए। ओके, इन बटन से ही नीचे होगा। ये जी नीचे तो रहा है, लेकिन मुझे इस साइड पे नीचे करना। ये अब बाइक आ जाएगी। आई थिंक मैं जेसीबी को आगे लेके जाता हूँ और ये बाइक इससे चिपकी। अब मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो मैं फिर से उसको ऊपर कर लेता हूँ, शायद बाइक ऊपर आ जाए। प्लीज प्लीज, ये इसके ऊपर आ तो चुकी है लेकिन प्रॉपर नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये गिर ना जाए। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बस फंस चुकी है। बिल्कुल ऊपर कर लेता हूँ इसको, और मैंने बाइक को ऊपर उठा लिया जेसीबी से। इसका मतलब हम जेसीबी से छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जेसीबी से हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। नहीं, काम कर सकते हैं, जैसे कि बाइक को ऊपर उठाना, कार को ऊपर उठाना और थोड़े बहुत दूसरे काम। तो ये जेसीबी से काम हो सकता है। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर आप होश और डॉग में एक साथ बैठते हो फिर देखना मैजिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 200 डायल करके एक हॉर्स को स्पॉन करता हूँ, फिर 600 डायल करके उसके पास में एक डॉग। चलो, हॉर्स तो मेरा आ चुका है, बस 600 डायल करके डॉग को भी स्पॉन कर लेता हूँ, और दोनों ही आ चुके हैं। दोनों के बीच में जाना है और दोनों के ऑप्शन आए तो बैठना है। मैं इन दोनों के बीच में आ चुका हूँ, लेकिन हॉर्स का ऑप्शन आ रहा है, डॉग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक उस साइड से ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है, अब मैं उसके पास जाता हूँ और दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। डन, दोनों में मैं एक साथ बैठ चुका हूँ, हॉर्स पे और डॉग पे। वेट, डॉग पे बैठा कैसे? लेकिन वेट, कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैं जॉयस्टिक को खींचता हूँ, हॉर्स और डॉग एक साथ चल रहे हैं। जैसे बस और बाइक दोनों में एक साथ बैठने के बाद दोनों चल रहे थे, ये भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस और बाइक में ऐसा था, मैं थर्ड पर्सन कर रहा था तो मुझे बाइक का व्यू दिख रहा था और फर्स्ट पर्सन पे बस का, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन पे भी डॉग का ही व्यू दिख रहा है और थर्ड पर्सन पे भी डॉग का ही व्यू दिख रहा है, हॉर्स का नहीं दिख रहा है। बट चल दोनों एक साथ रहे, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 2, चीट कोड कार स्पॉन करेंगे, उसके ऊपर वही कार स्पॉन करेंगे, उसमें बैठकर उतरेंगे, उसके बाद सेकंड चीट कोड वाली कार स्पॉन करके बैठेंगे, फिर जो पहले स्पॉन करवाई थी उसमें बैठकर चलाएंगे, और जो बाद में स्पॉन करवाई थी वो भी चलेगी। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को इजी करके बताऊं तो सबसे पहले सेकंड नंबर चीट कोड वाली दो कार्स स्पॉन करनी है, उनमें एक साथ बैठना है, फिर उनसे उतरना है, फिर सेकंड चीट कोड वाली एक और कार स्पॉन करनी है, उसमें बैठना है, फिर उतरना है, फिर दो जो पहले स्पॉन की थी उनमें बैठना है, फिर अगर हम उन दोनों को चलाएंगे तो जो सिंगल स्पॉन की थी वो भी चलेगी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो सबसे पहले मैं नंबर 2 वाली कार को स्पॉन कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर एक और भी स्पॉन करनी है, तो मैंने स्पॉन कर लिया। अब इन दोनों में मुझे बैठना है और दोनों में एक साथ ही बैठना है। अगर इन दोनों के गेट ऑन हो गए मतलब दोनों में बैठ जाएंगे। ये दोनों के गेट ऑन हुए मतलब हम दोनों में बैठ चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दे देता हूँ। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं मतलब दोनों में एक साथ बैठ चुके। अब मुझे एग्जिट करना है, फिर से ये सेम चीट कोड वाली कार स्पॉन करनी है। बट इस बार दो स्पॉन नहीं करनी, सिर्फ एक ही स्पॉन करनी है। तो मैं स्पॉन कर लेता हूँ, अब मुझे इसमें बैठना है। तो मैं इस वाली कार में बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद फिर से मुझे उतरना है और फिर से उन दोनों में जाके बैठना है, फिर ये वाली कार अपने आप ही चलेगी। ओके, अब मैं इस वाली कार में बैठ चुका हूँ, अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ, फिर से वो दोनों जो है मैं उनमें जाके बैठता हूँ। बस दोनों में एक साथ बैठ जाऊं, मैं बैठ तो चुका हूँ और शायद से दोनों की गेट ऑन हुए मतलब दोनों में बैठ चुका हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा चला तो आगे की तरफ, लेकिन वो तो चली नहीं रही। मैं सबसे पहले इन दोनों में बैठा, फिर एग्जिट करके मैं उसमें बैठा, फिर एग्जिट करके मैं इसमें बैठा, लेकिन वो चल ही नहीं रही। वेट, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, शायद से इन दोनों कार्स में मैं एक साथ नहीं बैठ पाया था। मैं फिर से इन दोनों में एक साथ बैठता हूँ, फिर से उसमें बैठूंगा। तो मैं इन दोनों में बैठ जाता हूँ, एंड ये दोनों के गेट्स ऑन हुए मतलब इस बार मैं दोनों में प्रॉपर बैठ चुका हूँ। अब मुझे फिर से यहाँ से एग्जिट करना है, फिर जाके उसमें बैठना है, क्योंकि मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। तो ये सब मैं इससे कर लेता हूँ एग्जिट, फिर से जो सोलो कार है उसमें जाके बैठता हूँ। भाई ये क्या चल रहा है, वहां पर बैठना वहां पर उतना, ठीक है बट मैं इसमें बैठ जाता हूँ। डन, अब देखो मैं उन दोनों में भी एक साथ बैठ चुका हूँ, फिर से उतर के मैं इसमें
भी बैठ चुका हूँ, अब मुझे फिर से उतरना है, फिर से उन दोनों में बैठना है। तो यस मैं इसमें बैठ के एग्जिट कर चुका हूँ, अब फिर से जाके मैं इनके पास जाता हूँ और इनमें बैठ जाता हूँ। भाई इन दोनों को चलाने के बाद वो भी इनके साथ ही चलेगी, जबकि मैं उसमें बैठा ही नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा चला के देखता हूँ इनको, लेकिन इस बार ये तो दोनों चल रही है, वो तो फिर भी नहीं चल रही है। भाई इस बार तो हर चीज प्रॉपर हुई, हर चीज जैसे कहा गया था वैसे ही किया, बट फिर भी नहीं हुआ। ये दोनों कार तो वैसे भी चलेंगी क्योंकि इनमें एक साथ बैठा हूँ, लेकिन वो नहीं चल रही है। तो ये वाला मैं तो बस पे। तो गाइस आज के लिए कुछ इतनी ही मिस्टेक जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए थे, उनमें से काफी सारे मिस्टेक थे जो कि कंफर्म थे एंड काफी सारे मिस्टेक थे जो कि बस थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम लोग को ये वाला पुलिसमैन कैरेक्टर अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइंग थ्योरी के अंदर चाहिए तो तुम लोग कॉमेंट्स में बता दो। बाकी अभी तुम लोग को मेरी इस गेम की और वीडियो देखनी है तो आप लोग जो पर श्योर उस पर क्लिक करो, मैं आप लोग को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।